प्रदेश और परिषद दोनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने का फायदा नगर पालिका परिषद कुम्हारी को जबरदस्त मिल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस परिषद के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की तनख्वाह कभी रुकी ही नहीं, जबकि अपने समकक्षों में सबसे बड़े निगम के रूप में स्थापित निगम भिलाई, जहां शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की ही है, पर खजाने की स्थिति इतनी खराब है कि कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं। अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और पीआईसी के अनुसार कुम्हारी परिषद की आर्थिक स्थिति में पहले और अब में काफी परिवर्तन आ गया है। लागत में कमी और आय के स्रोतों में बढ़ोतरी करके यहाँ जन सहूलियत कार्यों की झड़ी लगा दी गई है। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने जो टैक्स से ही हम लोग को एक विशेषकर पैसा मिलती है, टैक्स से वो जो टैक्स सही शॉर्ट नहीं आ पाती थी उस टैक्स को वसूली का प्रक्रिया अच्छा से किए। इसमें विशेषकर हमारे वहां से चैतन्य भाई विशेषकर बोले कि टैक्स सबका बराबर आना चाहिए और मिलना चाहिए, उस समय मार्गदर्शन दिया उसने। पहले 10,000 के आसपास एक दिन में एवरेज टैक्स आता था, आज 1.5 लाख के आसपास आता है। और विशेषकर जब नल की स्थिति 900 कनेक्शन था तो उस हिसाब से पैसा आता था, आज 5,000 नल का कनेक्शन आने के बाद वहां से भी हमें विशेषकर पैसा मिलती है। और नया बिल्डिंग बनने के बाद भी जिस प्रकार से एम्प्लाई पहले जब आए तो एम्प्लाई भी इधर उधर भटकता था, उस एम्प्लाई को भी हमने सिस्टमेटिक व्यवस्थित किया है।